कहता है इफ कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए मैं आपको एक के बाद एक इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये बिल्कुल पूरी तरह क्लियर होते जाए। तो मैंने क्या बोला, कॉस एक्स का वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, जीरो, और कॉस जो होता है वो एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड होता है। जैसे हमने साइन के लिए वाई एक्सिस लिया था, वैसे कॉस के लिए हम क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस। तो आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू कब जीरो होती है और कहाँ जीरो होती है। तो आप जल्दी बता सकते हो कि वाई वाले पे जीरो होगी, नहीं चाहे ऊपर हो या नीचे हो। क्या बच्चों सही है? यस सर। यानी कि अगर आपने एंगल यहां से शुरू किया तो यहाँ पे जीरो होने वाला है, फिर घूम के यहाँ पे जीरो होने वाला है, फिर घूम के यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसी तरह से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा अगर आपने 90 डिग्री लिया। सर आवाज नहीं आ रहा है। सभी को नहीं आ रहा है, तब तो जरूर टोकिए क्योंकि मैं पॉज लूंगा। आ रहा है, आवाज आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आवाज आवाज क्लियर है। देखिए अगर किसी बच्चे एक को आवाज नहीं आती है तो वो चैट बॉक्स में लिखे कि सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, तो दूसरे बच्चे उसको कम से कम रिप्लाई करेंगे कि नहीं नहीं आपका नेटवर्क इशू होगा। और अगर दो तीन बच्चों को नहीं आ रही है तो डायरेक्टली आप मुझको बोल दो, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि आपकी या मेरी आवाज में प्रॉब्लम आता है नेटवर्क इशू की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 90 हमने क्यों लिखा, x इज इक्वल टू 90 लिखने के पीछे कारण था क्योंकि जो y एक्सिस है ना उस पर हो रहा है जीरो। हाँ यहां भी ये चीज को आप ध्यान दोगे कि एंगल आप क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, किसी भी डायरेक्शन में आप जाओ, आपको जीरो x का तभी मिलेगा जब आप y एक्सिस पे जाते हो। तो एंगल क्या हो गया, एक हो गया 90, दूसरा क्या होगा 270 डिग्री, यानी दो पाई आपका बढ़ता चला जाएगा, 5π/2, 7π/2, ठीक है। और मैंने जैसे कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी भी मोड में अगर आप जाते हो तो आपके साथ यही होने वाला है। तो आपको ये जो टर्म दिख रहा है, जैसे आपको यहाँ इसके पहले वाले टर्म दिखे थे कि एपी जैसा था, और यहाँ भी आपको दिख रहा है कि दो पाई का अंतर पड़ रहा है, नहीं। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि TN का फॉर्मूला क्या होगा, अगर टेंथ के बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो TN का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a को अगर मान लिया जाए, मैंने पाई बाई टू मान लिया है और n तो हमें पता ही नहीं है, समझ गया ना, ऐसे ले लिए, क्या समझे। और यहाँ पे अगर हम इसको आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 2π/2, यहाँ देखोगे कि आपके पास मिलेगा 1π का डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो ये 1π का होगा, समझ गए। यानी कि आपके पास ऑड नंबर को लिखने के आपके पास तरीके जो होते हैं वही होगा। यानी आप डायरेक्ट इसको लिखना चाहो तो आप ऑड नंबर लिखने के लिए लिखते हो, क्या लिखते हो आप, 2n+1, क्या लिखते हैं ऑड नंबर के लिए, 2n+1, और ये हो जाएगा आपका π/2, ये हो गया ऑड नंबर के लिए और ये हो गया π/2। तो ये वैल्यू आपके पास क्या होगा, x का जनरल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा n के जगह अगर मैं जीरो लूंगा तो बताइए टोटल वैल्यू क्या होगा, केवल π/2। अगर n का वैल्यू मैं कोई दूसरा लूंगा, 1 लूंगा, तो भी बदलेगा और हो जाएगा 3π/2। तो आप देखोगे ये सब का सब वैल्यू मिलेगा। बोलिए 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 कोई बच्चा। सर ये 2n+1 जो है वो ऑड नंबर के लिए है ना। हाँ जी, आपको मैं बताऊं कि जब आप क्लास 8 में थे तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर या इवन नंबर के लिए आप n और n+2 लेते थे, लेकिन जब आप टेंथ में आए तो आपके टीचर ने बताया कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के लिए आप एक ये नंबर लो और एक ये नंबर लो, ठीक है। तो ये जो है दोनों के बीच का डिफरेंस आपको हमेशा 2 मिलेगा और दोनों ऑड भी होगा क्योंकि 2n+1 किया है हमने, समझ गए। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है कि वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर। तो ये आपके पास हो गया रिजल्ट, दिस इज द जनरल वैल्यू फॉर x इन फॉर्म ऑफ एंगल वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर पता है बच्चों आपको क्या होता है, इंटीजर कोई बच्चा मुझे बताए। यस सर, क्या होता है इंटीजर,
all the negative and positive integers. Number zero is called the positive and negative numbers. All the positive and negative numbers including zero. बिल्कुल सही है, दो बच्चों का definition एकदम clear था, एक शुरू में ही बीच में एक बच्चा बोला था और एक लास्ट में भी आपने बोला, तो दैट इज गुड कि इंक्लूडिंग जीरो पॉजिटिव नेचुरल नंबर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो, तो आप जान रहे हैं कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं होता, तो यहाँ भी सोन आगे गया, यहाँ भी माइनस वन माइनस टू डॉट डॉट डॉट। अच्छा ये पता है कितने डॉट लगाने चाहिए हमें? कम से कम तीन डॉट, तीन डॉट से कम नहीं लगाने चाहिए, ये याद रख लेना, ठीक है? तो जेड हो गया ये पार्ट। चलिए तो ये दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है कॉस वाला, है ना? अब आते हैं हम